नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपने में बर्तन धोना। दोस्तों, अगर आपने खुद को सपने में बर्तन धोते हुए देखा है तो इसका आपकी आने वाली लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि जैसे मानो हम दिन भर में अगर कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ कई बार हमारे ड्रीम में जो है वो आ जाती है और उसका कोई हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ें हम दूर दूर तक कभी सोची नहीं हमने, जो हमारे लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें बार बार सपने में दिखाई देती हैं, तो उन सपनों के ज़रिए जो भगवान हैं वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपने में बर्तन धोना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने खुद को सपने में बर्तन धोते हुए देखा है तो इसका अर्थ होता है कि आपको बहुत जल्द, मींस बहुत 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 जल्द, जैसे आपने रात को ड्रीम देखा है, आपको सुबह उठ के या दोपहर को या शाम को नेक्स्ट डे आपको बहुत ही अच्छा भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल कुछ मिलने वाला है खाने के लिए, जो कि आपके बहुत ही पसंद हो, आपका कुछ फेवरेट फूड है वो घर में बन सकता है अगर आपने ऐसा सपना देखा है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आप प्लीज़ हमें प्यार दें बहुत सारा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप हमें बताइए आपको किस तरह के ड्रीम्स के बारे में आगे जानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ हिट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।